नमस्कार कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। गोरखपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम है और सीएम ने यहां रोड टू स्कूल कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ किया है। इंद्रपाल सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेहबहादुर सिंह जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चोरी चोरा श्री सरवण निषाद जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एस सुंदराम जी, निदेशक अशोका लीलैंड लिमिटेड सीएनबी बाला चंदन जी, परियोजना निदेशक लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन श्री गिरीश सैस जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बेसिक शिक्षा परिषद के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की सबसे प्रमुख जो उपलब्धि होती है वह शिक्षा होती है। शिक्षा किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी समर्थ समाज के लिए और किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बगैर मानवीय मूल्यों और इस जीव सृष्टि के आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वसुलभ कराने को लेकर के लगातार मंथन मंथन चलता रहा है। इसके लिए अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रयास हुए हैं। भारत के प्राचीन गुरुकुल की प्रणाली और उस गुरुकुल में उस समय के जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं वह भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जहां पर आकर के अध्ययन करती थी, वह नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, काशी या कांचीपुरम की विद्या के केंद्र रहे हो, ये सभी वे केंद्र थे जहां पर अध्ययन और अध्यापन का एक बेहतरीन समन्वय करके उज्जवल भविष्य के बारे में एक मंथन का कार्यक्रम आगे बढ़ता था। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते गए, कहते हैं कि जब मेकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की तो उससे पहले उसने पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, पूरे देश के अंदर उसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सर्वत्र गया और उसके बाद उसने ब्रिटेन में वायसराय को पत्र लिख करके भेजा। उसने लिख के भेजा कि मैं भारत का भ्रमण किया हूं, भारत एक ऐसा देश है जहां की पंचायतें, जहां की संस्थाएं स्वयं भी अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति आग्रही बना करके साक्षरता के 100% लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं और भारत दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला है जिस देश में मैं कहीं भी गया
शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता, हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है और परस्पर यह विश्वास जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर निरक्षरता बढ़ी, लेकिन आजादी के बाद जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके कुछ परिणाम प्राप्त भी हुए, लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सकें, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके सीएसआर मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। अगर किसी ने तीसरी, चौथी या पांचवी क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो छठी क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता था, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास भी उसने पास कर ली तो नौवीं में एडमिशन नहीं लेता था। यानी परिणाम क्या था कि नौवीं क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या पहली क्लास में एडमिशन लेने वालों की संख्या की तुलना में आधी रह जाती थी। हाई स्कूल के बाद जब सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जाता था, इंटरमीडिएट के लिए आता था, उसमें भी कमी आ जाती थी और अंततः स्नातक करने वालों की संख्या 25-30% मात्र रह पाती थी और उसमें भी क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था। आज एक तरफ हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया पहले स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान में जो सबसे अच्छा परिणाम आया कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगभग 58 से 60 लाख बच्चे नए। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की